क्या भी नहीं, खुद बीजेपी कुछ बाढ़ा गया तो जो है अब उससे उसमें ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। दूसरे सब 90% 95% वोटिंग करती, हमारे वोट को आओ का तो जन्ने असर का करती। ये कौम को 1400 साल से काट रही, फिर भी ये कटा तो 10 उठवा रही। हमारे में जयंती मनाना बाजा बजाना नहीं है। अब हमारे बाबा मरे तो इसाले साहब क्या मैं बाहर रोड में मरोड़े करती क्या? जनवरी के बाद पूरे पार्टियां फुटती, इधर का उधर उधर का इधर जो है वो टेंट को अंगार लगी तो चाराने गेट वाला बाराने में, बाराने गेट वाला चाराने में भागे सर का सियासतदाना भागते, एक नया माहौल फिर कर्नाटक के अंदर आता। मशीन चेंज करो कर का मैं बोल रही, मशीन जब तक चेंज नहीं होती तब तक जो है हम अच्छे रिजल्ट नहीं आते। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में एमएलसी सी इब्राहिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजापुर जिला बसवन भागेवाड़ी तालुका के आलमट्टी में मुस्लिम समावेश और एक शादी महल के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए बीजापुर पहुंचे पूर्व केंद्र मंत्री मौजूदा एमएलसी सी इब्राहिम ने आज शहर बीजापुर के मधुवन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एनआरसी, टीपू सुल्तान जयंती, राज्य में बाढ़ पीड़ितों के परिहार जैसे कई विषयों पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के दिए जवाब। इस मौके पर कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ ने एमएलसी सी इब्राहिम की गुलपोशी की। इस अवसर पर एसएम पाटिल गनिहार, मोहम्मद रफीक टपाल, एमसी मुल्ला के अलावा और भी कई लोग थे मौजूद। कोई जरूरत नहीं एनआरसी के ताल्लुक से, पूरे रियासत के अंदर जो है हम लोग दौरा शुरू किए हैं, जोर से हवा निकली है, बारिश हवा बहुत वक्त नहीं रहती, लेकिन मेरे आवाम से ये गुजारिश है इसके नाम पर जो है बाज़ार में उतरना मुजाहरे करने की ज़रूरत नहीं, ये जोश दिखाने का वक्त नहीं होश दिखाने का वक्त है। होश से रहो और आधार कार्ड जो नई नई बना ली, वोटर लिस्ट में जो नाम नहीं जमा ली उन फौरन वो काम करो। वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा, आधार कार्ड नहीं रहा तो ये सब मुसीबतें आती, हमारी कौम भी ज़रा समझना। और सियासी शौर हमारे पास नहीं है, दूसरे सब 90% 95% वोटिंग करती, हमारे वोट को आओ का तो जन्ने असर का करती, निकालना का तो उनको सुबह को 7 घंटे को बमड़ी मारे तो पोलिंग बूथ बंद हुए इस टाइम आपको लाइन में खड़ने जाते। ये काहिली छोड़ना कौम, जो कौम अपने आप को तब्दील नहीं कर सकती उसे अल्लाह भी तब्दील नहीं करता, हमें खुद को बदलना पड़ता। हमें सब जिंदा हैं तो मैं जो है हिम्मत से रहो, रियासत कर्नाटक के अंदर जो है ये चीज़ हमें आने नहीं देते, आ भी गई उसका सामना हमें करते, तो मैं कौम सुकून से घरा में रहो। लीडर बाहर आते हैं, हमें हर कुर्बानी के लिए तैयार है, जिस वक्त ज़रूरत पड़ती तुम ना बुलाती। इस बार राज्य में क्या टीपू सुल्तान जयंती मनाई जाएगी? मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हमारे में जयंती मनाना बाजा बजाना नहीं है। अब हमारे बाबा मरे तो इसाले साहब क्या मैं बाहर रोड में मरोड़े करती क्या? नहीं है, गरीबांग बुलाते, कुरान खानी कराते, आयत कलमा पढ़ाते, मरहूम के वास्ते दुआ करते, गरीबों को खाना खिलाते, यतीमों की मदद करते। जयंती को तो ये इस्लाम में इनो बाजा बजा ले को डीजी सेट डाले को तुम्हें करे तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद उनकी रूह क्या बोलेंगी? अरे मैं रहे तक बाजा नहीं बजाया ना, मरे के बाद बाजा बजे रहने अगर बोलते नहीं क्या? तो इसके वास्ते हम ना कौन सी जरूरत नहीं, गवर्नमेंट क्या जी करने का, शहीद अल्लाह के दोस्त उनको रिजक अल्लाह दे रहा, उनको जो मर्तबा मिलना वहाँ मिल गया, उनके सदक़े तुफेल में हमारी आखिरत अच्छी कर अल्लाह कर को, हमें उनके तुफेल में दुआ करना अल्लाह के वास्ते, इसके वास्ते उनकी हिस्ट्री फैलाना, तुम्हें जो है अच्छे सभा करो,
उनके बारे में बात बोलो, गवर्नमेंट के पैसे क्या से क्या देंगे, तहसीलदार 1,000 रुपये देगा, हमारे पास नहीं है क्या? 2.5% ज़कात निकाले थे कि गाँव में 20-20 लाख रुपए निकलते, क्या जी कम हुआ? खिंजिल 16 जनते कौन भी नहीं खाता, बकरी 21 जनने का सारी दुनिया खाते, लेकिन उसके अंदर जो है बेबरकत नहीं हुई है। ये कौम को 1400 साल से काट रही, फिर भी ये कटा तो 10 उठ को आ रही। बाढ़ पीड़ितों के परिवार के बारे में आप क्या? अब क्या भी नहीं, खुद बीजेपी कुछ बाढ़ आ गया अब तो जो है अब उससे उसमें ही ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। जनवरी के बाद पूरे पार्टियां फुटते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर जो है वो टेंट को अंगार लगी तो चाराने गेट वाला बाराने में, बाराने गेट वाला चाराने में भागे सर का सियासतदाना भागते, एक नया माहौल फिर कर्नाटक के अंदर आता। दुआ करो अल्लाह ताला कामयाब करे। कुछ भी नहीं है, आज हाल मट्टी के अंदर जो है मुस्लिम समावेश रख ले, वो एक शादी महल का उद्घाटन है। अब हर ज़िले को मैं जा रहा हूँ कि अगर बोले तो लोगों के अंदर एक हिम्मत आना, लोग मायूस नहीं होना करके। मैं भी तो आवाम से दरख्वास्त करता हूँ, मेरे वास्ते अल्लाह के पास दुआ करो, अल्लाह सेहत दें दे, कौम की खिदमत करने की ताकत दें दे, और हमारी तुम्हारी सबकी आखिरत अच्छी बन दे। महाराष्ट्र का क्या भी नहीं, वो मशीन रखो ये हालत हुआ, अभी पेपर आया तो हालत बदलती थी, इसके बावजूद भी जो है एक ताकत मिली है। वक्त जो है इंशाल्लाह आगे आगे यहाँ गुजरते जाता हूँ। आने वाले दिनों में मशीन चेंज होगी सर? मशीन चेंज करो कर का मैं बोल रही, मशीन जब तक चेंज नहीं होती तब तक जो है हम अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो ऐसा मशीन का है सर? हाँ, ऐसा मशीन का ही है। और मोदी साहब को मशीन के ऊपर भरोसा, आदमियों पर भरोसा नहीं है। होटल लजीज आपके लिए लेके आया है स्वादिष्ट पकवानों का भंडार, जिसने अलग अलग लजीज जायकों के पकवानों से बीजापुर में धूम मचा रखा है। यहाँ पर चिकन मंदी बिरयानी, मटन रोस्ट मसाला, चिकन कश्मीरी, होटल डिश स्पेशल, तंदूरी चिकन, चिकन लजीज, चिकन हैदराबादी जैसे कई और लजीज पकवान मिलेंगे। फैमिलीज और पार्टीज के लिए अलग से स्पेस मिलेगा, तो फिर सोच क्या रहे हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक बार विजिट कीजिएगा। और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।